बात हो रही है थोड़ी सी लेट बिकॉज हम उठ गई हैं लेट और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो सर में दर्द हो रहा था, इस चक्कर में थोड़ा आज लेट हो गया। आज कैब वाले को भी हमने सुबह बोल दिया था मतलब कल ही रात को बोल दिया था कि आप भैया आना मत, हम लोग खुद ही चले जाएंगे क्योंकि हमें करना था रेस्ट। हम रात को बहुत लेट सोए थे, 4 बजे अराउंड। तो आज हमने कहाँ जाने का रन यूनिवर्सल स्टूडियो तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हैं हर चीज़ के लिए आज। और आउटफिट आज का दिखाते हैं, सो दिस इज माई आउटफिट। बहुत क्यूट सी ड्रेस है, बेल स्लीव्स है इसकी और करण ने पहनी है कॉर्ड सेट, तो बहुत प्यारा सा लुक है आज। मेरे को तो अपनी ड्रेस, मैंने यार ड्रेस दूसरी पहनी थी बट वो मुझे पसंद नहीं आई तो फिर मैंने चेंज करके ये सडन चेंज किया क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने बोला कि आज जो बेस्ट है ना आपके लगेज में वो पहनना। अब आई डोंट नो ऐसा क्या है क्या नहीं है तो वो तो जाके ही पता चलेगा। बाकी कल का दिन तो बहुत अच्छा था। तो हमने कैब बुक करी हुई है, ये हमारी है हाँ, पर ना आपको ना दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी तो हमेशा दवाई कैरी करो। थैंक यू, अपने साथ दवाई ज़रूर कैरी करना। तो हमारी कैब आ गई है, हम लोग बैठ गए हैं, अब जाएंगे हम लोग। सो वी हैव रीच्ड आवर लोकेशन। हम लोग आ चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। वाओ सी, वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी टिकट्स दिखानी है एंट्री के लिए। वी कैन ओनली कैरी वाटर। अरे तो फिर अच्छा लॉकर्स $20। फिर क्या करें यार, ये सब नहीं फेंकना। सो गाइस हमें ये सब लेके नहीं जाने दे रहे, आज ही हम लेके आए हैं करण, आज ही हमें अलाउड नहीं कर रहे ये लोग। मुझे मखाने खाने थे नहीं फेंकने, मेरे को दो, मेरे को पिलाओ। तो हमने अपना सामान कर दिया है डिस्पोज क्योंकि $20 का वो था, कोई तो बनता नहीं था। हम लोग एंट्री कर रहे हैं। सो गाइस चेक दिस, कितना ब्यूटीफुल और कितना ड्रीमी है, वाओ ब्यूटीफुल। सो हम लोग आगे चल रहे हैं, करण मेरा वेट कर रहे हैं आगे। बहुत ब्यूटीफुल है यार। सो गाइस ये है सारी राइड्स जिस पे हम लोग करने वाले। ओ गॉड ये तो बहुत स्केरी लग रही है पर मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। मेरे को तो एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी राइड्स करना, मज़ा आएगा, ये बहुत अच्छा होगा ना। ये देखो लुक एट दैट गाइस, बहुत सही है, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। ये बहुत, ओ गॉड ये पूरा उल्टा हो गया और ऐसे पूरा, ये जो है ना एक ही है, पूरा राइड एक ही होने वाली हूँ। मज़ा आने वाला है भाई साहब बहुत ज़्यादा। सो हम लोग जा रहे हैं एंड ये फ्री है, फ्री एज इन यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट है एक, उसी के अंदर सब ये इंक्लूडेड है। तो चेक करते हैं, हमने अपना सारा सामान ना लॉकर में रख लिया, तो मेरा फ़ोन, पर्स, करण का फ़ोन, सब कुछ हमने लॉकर में रख लिया है क्योंकि राइड्स पे अलाउड नहीं है कुछ भी। तो अब हम लोग जा रहे हैं राइड ले, और पर वेटिंग टाइम ना उसका ना 70 मिनट्स है। सो गाइज हम लोग राइड करके आ चुके हैं और बाहर हो रही है बारिश, और राइड में ना बहुत मज़ा आ गया हमें। 2-2.5 घंटे लग गए राइड में, 2 राइड में लग गए इतना टाइम। और हम लोग जा रहे हैं इजिप्ट को, हाँ बारिश हो रही है भाई, बाल गीले हो जाएंगे। हमारा ना फ़ोन ना सबमिट कर दिया था हमने क्योंकि लॉकर में, वहाँ पे राइड्स में ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं था, तो हमने लॉकर में सबमिट कर दिया था। 2-2.5 घंटे से हमारा फ़ोन लॉकर में था इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बट एक रोलर कोस्टर थी, साइक्लोन था राइड, वो बहुत सही थी यार, मज़ा आ गया। ओ ये चेक कीजिए, वाओ ये है इजिप्ट। तो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ अभी, तो मैंने ना कैप पहन ली है, मैंने आज ही हेयर वॉश किया था, मेरे बाल दोबारा भीग जाएंगे
और मेरे कपड़े देख रहे हो वो पूरे भीग चुके हैं। ये राइड पे भीग गए थे, लास्ट मैंने वो राइड की थी ना साइक्लोन, उसी पे हम लोग फ्रंट में बैठे थे, तो इस चक्कर में मेरे पूरे कपड़े भीग गए यार। और हमें लगा फ्रंट में मज़ा आएगा, बट फ्रंट में हम लोग पूरे भीग गए, पीछे वाले नहीं भीगे थे। अब हम लोग कुछ जा रहे हैं खाने, एनी काइंड ऑफ इंसानी खाना। यहाँ पूछना पड़ेगा कि हमारे इंसानों का खाना मिलता नहीं मिलता, क्योंकि आज है शिवरात्रि और हम लोग नहीं खाएंगे नॉनवेज। पर खुशबू से लग नहीं रहा मुझे यहाँ कुछ वेज मिलने वाले। ये क्या है, व्हाट इज दिस स्लिपर? हो वेजिटेरियन स्वीट एंड सॉर प्रॉन्स विद राइस। ये कौन सा वेजिटेरियन है भाई, देखना। वेजिटेरियन स्वीट एंड सॉर प्रॉन्स विद राइस, ये कौन सा वेजिटेरियन है? प्रॉन्स को ही वेजिटेरियन कंसीडर करते हैं क्या? करें कुछ है ना? अरे प्रॉन्स वाले हैं, कह रहे हो पेक कोफ्ते प्रॉन्स? नहीं नहीं नहीं, मैं शक्ल से नहीं खा पाऊंगी। अगर मुझे याद ही है तो मैं भी देने वाला हूँ हमारे होटल में। वही भी वो गंदे से लग रहे थे, बहुत बीक बीक थे। पैसे कितने में लगा अगला हमारे चलने का? उस वाले बोल रहे हैं और वहाँ देखते हैं। हाँ यार, हम चार दिन हो गए बर्गर खाते हो। हाँ चार दिन से हम सिर्फ, एक तो आपकी कैप मुझे इतनी लूज आ रही है, बार बार आगे गिरी जा रही है। एक तो चार दिन से हमने लिटरली बर्गर के अलावा कुछ खाया ही नहीं है, सिर्फ बर्गर ही बर्गर खाया हमने। थैंक यू। चार दिन से जिस दिन एयरपोर्ट पे थे तब भी बर्गर खाया, उसके बाद रात को फिर बर्गर खाया, ऑर्डर किया, फिर अगले दिन आके फिर बर्गर खाया। पूरे दिन में एक मील हो रही है, उसमें भी बर्गर, वो बर्गर इतना पेट भर देता है। तो हमने मजबूरी में ऑर्डर किया ये टर्टल टॉट्स, और भाई ये वही है मकेन्स है ना, आलू वाले मकेन्स, और कुछ है ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। ये वो काफी है, पेट भर जाएगा हमारा। नाइस, दिस इज चिली। तो हमारे यहाँ आ गया, थैंक यू। नहीं यार, कोल्ड ड्रिंक नहीं करन, पानी ले लेता इससे बेटर। आज राइड राइड करी ना, दो खतरनाक वाली, दो पहली वाली तो सिंपल सी थी, दूसरे वाले में बहुत मजा आया, पर दूसरे वाले में हमें फ्रंट पे बैठना नहीं चाहिए था। अरे ये हो गए सारे यार। हाँ पूरे देखो, मैं बाल इतने अच्छे से सुंदर से करके लाई थी, पूरे गीले हो गए। सो गाइस वी आर एट कासल एंड अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं इसके, क्योंकि इसके अंदर कोई मूवी है, 3D शो है, तो वो देखने जाने वाले हैं हम लोग। वाओ लुक सो सो प्रिटी फ्रॉम आउटसाइड। किसी ने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था अभी, पता है। हम लोग पोस्ट में खड़े हैं, पीछे हमारे बहुत लंबी लाइन है। अच्छा यहाँ पे क्या है करण? मूवी अब यार पकाए ना, बस बाहर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो मजबूरी में यहाँ आ गए हैं कि चल ठीक है टाइम पास हो जाएगा, गीले तो नहीं होंगे, और यहाँ एसी चल रहा है और ठंड लग रही है। यहाँ के लिए पूरा एक दिन भी काफी नहीं है, इतना कुछ है इसमें। पर मेरे को इतना इंटरेस्ट सच में आ नहीं रहा इसके अंदर। कल वाला तो बहुत अच्छा था, कल तो बहुत हर एक स्टेप पे इतना एडवेंचरस और इतना एक्साइटिंग थी ना चीजें, कल बहुत अच्छा लगा। कल हम लोग जाएंगे बर्ड पैराडाइज और फिर नाइट सफारी। बर्ड पैराडाइज अच्छा होगा ना? अच्छा होगा, और हम शाम को नाइट सफारी भी जाएंगे। नाइट सफारी ये हमने ग्लासेस ले लिए हैं, उसे खड़े होकर दिखाने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। गाइस मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। 20 मिनट तक हमें यहाँ पे पकना है, लेट्स सी क्या होने वाला है। भाई क्या था ये? बहुत ही हम लोग निकले, हमें उन्होंने बोला किसी को एग्जिट करना होना बता देना, सबसे पहले हम ही थे वहाँ पे। इतना बकवास सीन थे, कुछ समझ ही नहीं आया क्या था। लुक एट द कासल। सो आज का दिन इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था, ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे, पर मैंने सुना था कि यूनिवर्सल स्टूडियो में बहुत मज़ा आता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तो बारिश भी हो गई ना इस चक्कर में, थोड़ा सा ख़राब हो गया हमारा, गड़बड़ हो गया थी, और बाकी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, बट अब ठीक है, तबीयत एटलीस्ट ठीक है। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कैब वाले को बुलाएंगे और हम लोग जाएंगे लिटिल इंडिया, क्योंकि आज वेजिटेरियन खाना है, तो कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा यार। एक तो ये ना बाहर बड़ा पंगा है, एक वॉशरूम में जेट नहीं होते, इंसान को फ्रेश होना हो तो क्या करे, टिश्यू पेपर यूज करे? इंडियंस के लिए नहीं है जवाब, यहाँ इंडियंस के लिए जवाब है। सही में यार बताओ, एक बंदा जा भी नहीं पा रहा वॉशरूम, ये पता नहीं क्या कैसे कर लेते हैं सच में, गंदे से कहीं के। ये क्या लॉजिक क्या हुआ यार, ये क्या है टिश्यू पेपर वाला लॉजिक? पानी बचा रहे हैं, पागल है। ये कौन सा स्टाइल है भाई, नीचे आधी बीच में से कटी हुई है जींस,
नीचे कटी हुई है जीन्स। सो आज का दिन थोड़ा सा बोरिंग था, मेरे को तो नहीं आया मज़ा, मतलब ठीक था, ओकेश था, बस वो राइड जो देखी वही अच्छी थी, उसके बाद का पहले का कोई बेस्ट पार्ट नहीं था। तो अब जा रहे हैं हम लोग, कैब का वेट कर रहे हैं और लिटिल इंडिया जाएंगे खाने, पर अभी तो भूख नहीं है करण, थक गए यार। ऐसा नहीं कर सकते, सुनो हम लोग जाएँ अपने होटल और जब हमें भूख लगे तब हम लोग लिटिल इंडिया जाएँ, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है पॉसिबल, तो हम लोग देखते हैं। सो वी आर बैक टू होटल और अब आधे घंटे रेस्ट करने वाले हैं, देन उसके बाद जाएंगे लिटिल इंडिया फॉर डिनर। सो गाइज वी आर गोइंग टू लिटिल इंडिया आफ्टर 10 PM, जो कि बोल रहे थे हमें कि 10 बजे बंद हो जाएगा, बट हम फिर भी ना टाइम पास के लिए देखने जा रहे हैं कि यार मिल जाए कुछ, क्योंकि खाने का ऑप्शन अब हमारे पास बचा नहीं है। हमारी नींद इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमने पहले सोना समझा, पता नहीं सोते सोते पता ही नहीं चला टाइम का, अलार्म भी नहीं लगाया था हम लोगों ने। तो अब हम कैब बुक करी है हम लोगों ने, तो देखते हैं जा रहे हैं अब लिटिल इंडिया, देखते हैं खुला होगा नहीं होगा। सो हम लोग आ चुके हैं मुस्तफ़ा सेंटर, जहाँ पे सारा इंडियन खाना मिलने वाला है। मेरे इस साइड देखो, इस साइड सारा वही जो भी शॉप्स हैं इस पे सब पे इंडियन खाना ही है, तो हमें फाइनली इंडियन खाना मिलेगा। अभी तो आई एम नॉट मिसिंग इट, इतना फ़र्क कोई पड़ता नहीं है क्योंकि बर्गर वर्गर खा रहे थे, चल रहा था काम, बट आज हम लोग नॉन वेज नहीं खा सकते, एनी हाउ हमारा टूटने वाला था जो हमें मिला नहीं ना। यहाँ के लोकल बंदे से पूछ रहा हूँ खाना किसका बढ़िया है। सो ए टू जेड सारे आपको यहाँ पर इंडियन ही मिलेंगे, मुरुगन इडली एंड ये क्या किया आपने, क्या था ये? अच्छा मुझे लगा आपने डस्टबिन से कुछ उठाया और खा लिया। अभी देखो वीडियो में भी आया है, ऐसा ही लगा। ये देखो फ्रेंड वी आर एट बालाजी भवन। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि पूरा टोटली प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेज है ही कुछ, और लिटरली यार यहाँ पे सारे इंडियन बैठे हुए, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, तो हम लोगों ने यही सेलेक्ट किया। और हम लोगों ने ऑर्डर की है थाली, और हमारी सास वाली टेबल पे ना थाली खा रहे थे एक, मतलब दो लोग, तो उनकी थाली बड़ी टेस्टी लग रही थी इसलिए हमने थाली ऑर्डर की है। एंड वन मसाला डोसा सेम टेस्ट है, बस थोड़ा सा क्रिस्पी कम है, बाकी टेस्ट इज़ गुड नो डाउट, अच्छा है। तो यहाँ हमारी थाली भी आ गई है, थाली में है गोभी आलू, गोभी मटर, जीरा राइस, गुलाब जामुन, पनीर, दाल मखनी, एंड दिस इज आलू की सब्जी, रायता, एक नान और एक रोटी। टेस्ट ठीक है, ओके है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी पर ठीक है, खाने लायक है। और भाई अगर आप इंडियंस हो, अगर आपको बाहर का खाना सूट नहीं कर रहा तो आप ना आ सकते हो इस जगह पे और खा सकते हो, नाइस। सो अभी हम लोग हैं मुस्तफ़ा सेंटर और यहाँ पे ना पास्ता की बहुत सारी वैरायटीज है, तो एक तो हम लोग ये ले रहे हैं ट्राई कर, दिस इज तो नॉर्मल, दिस इज लुकिंग वेरी वेरी क्यूट, ये बेसिकली बीट रूट वाला है, एंड ओहो गिर गया, एंड दिस इज मशरूम वाला, सो क्यूट से लग रहा है इसलिए मैं ये ले रही हूँ एंड ये ले रही हूँ। ये भले ट्राई कलर वाला छोड़ दो करण, ये ले लेते हैं, ये लो प्राइज, मैगी भी मिल रही है यहाँ, पैक फॉर $1, पैक फॉर $3, $5, ऑलमोस्ट सारी इंडिया की चीज़ें हैं स्टोर में ना। सो वी आर बैक टू होटल और करते करते मैडम इतनी सारी शॉपिंग कर, मैंने नहीं किया कुछ भी, ये देखो ये सामान इतना सारा है करण ने लिया है और उसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए क्या लिया है पता है? कैन यू गाइस गेस क्या लिया करण? क्या लिया मेरे लिए बताना जरा, जनता जानना चाहती है क्या लिया मेरे लिए। हनीडस सिरप लिया है, कफ सिरप लिया है मेरे लिए, और मेरे को बोल रहा है इतना खर्चा करवा दिया, देख रहे हो। तो अब हम लोग जा रहे हैं रूम में और अब हम लोग सोने वाले हैं बिकॉज कल दोबारा से कितना सारा सामान लिया हमने, हमने वैसे देने के लिए लिया ये सारा ना सब कुछ, क्योंकि हम घर जैसे घर पहुँचेंगे वैसे ही लोग आ जाएंगे। तो इसलिए हमने खरीदा है सबको देने के लिए और अब हम जा रहे हैं रूम में और सोने वाले हैं। तो सुबह उठना है टाइम से तो नहीं, कल पिकअप 2 बजे है पर 2 बजे भी हमारे लिए अब जल्दी है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 1, सोते और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और आई एम वेरी 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 टायर्ड,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।